ओम शांति। आजर व्यस्तबहु जीवन भितर आध्यात्मिकतार आवश्यकता रही। प्रभु स्मृतिर गहरा प्रभाव आम जीवन यात्रा रे पड़ी थाए। जिते आम मन को भगवान पाखे लगाती से सर्वशक्तिर स्रोत शांतिर सागर स्नेहर सागर ज्ञानर सागर ज्ञानर सूर्य तांकर ज्ञानर प्रकाश ज्ञानर किरण शांति स्नेह आदिर प्रभाव आम जीवन रे परिवर्तन आने आम जीवन को उद्बुद्ध करिथाय। आज शुणिबा ये सृष्टिर परिवर्तनर आधार आमर मानसिकता सह प्रभुंक स्मृतिर मानसिकता जहाँ प्राणी मानक उपरे पशु मानक उपरे प्रकृति उपरे भी प्रभाव पकाए तारी आधार रे ही ये संसार रो परिवर्तन संभव ही थाए। गोटे गाँर मुंडरे किछी साधु संथ माने आसिकरी यज्ञ करथिले। अनेक साधु माने थिले से मानकर यज्ञ रे सेठी पाखरे गोटे गच्छ थिला से गच्छर पत्र उपरे से माने कृष्ण कृष्ण लिखुथांती। आउ ए भितरे गाँर गोटे लोक से छेली मानको चरेबा पई सेमती गाँ मुंडरे नेकि छाड़ी दे थाए। सेथिरु गोटे छेली यज्ञ परे जो लोक माने सबो साधु माने पळई थांती से जो कृष्ण लेखाई थिबा पत्र किछि खाई दे थाए। आउ परिवर्तन एया देखा गला कि ये आउ मे कहिबा बदल रे सबु बळे कृष्ण कृष्ण कहिला। जत्ते बळे सबु छेली माने गोटे स्थान रे रहंती समस्ते मे कहंती परस्पर भितरे चर्चा करंती कथाबार्ता करंती ये छेली किंतु सबु बळे कृष्ण कृष्ण करथाय। किछि दिन परे छेली माने ताको सिंगरे ये कौन आम संगरे कथा कहूनी आम भलिया कथा कहूनी ये कौन की भाषा सिखिला ताको समस्ते सिखांती तो आम भाषा रे कथा कह से किंतु कृष्ण कृष्ण करथाय। छेली माने ताको सिंगरे सबु ताको नेकिरी तांकर जो गुहाळ भलिया थाए सेठु ताको ठेल ठेल की बाहर कर दियंती। पुणी जत्ते बेले तार मालिक आसे देखे एई छेली ताको काई बाहर ठिया कराई छे से तांको आंक भितरे पसेई दिए पुणी एमाने ताको ठेल ठेल की बाहर कर दियंती। एमती केते थर हेला परे मालिक भाविला कौन हेछि ये छेली मानक गहण रे काई की रहूनी आकु सबळे काई की बाहर माने छाड़ दोचनी भाविला निश्चय आर किछ गोटे बेमारी हेछि आ सेथिपाई अन्य छेली माने ताकु सांग करनांती। तेणु भाविला कि हो ए गोटे छेली पाई एते छेली काले खराब हो जिवे से ताकु नेकरि गोटे जंगल रे छाड़ देला। छेली कृष्ण कृष्ण कहुथाय चोर गोटे से राति अधरे जाउथला आ छेलीटाकु जंगल रे देखिकी ताकु नेकरि गोटे गाँव रे कृषक को बिकि देला। कृषकर मध्य गरीब कृषकटे जितेबले ए छेलीटा आसला ताकु भी आश्चर्य लगला ये कौन कृष्ण कृष्ण कहुची किंतु तार भाग्य रे परिवर्तन घटला। छेलीर जो क्षीर ताकु से बिकिला तार बेस आमदानी हला आउ धीरे धीरे ता परिवार रा जो वातावरण ता घर रा वातावरण सुधरिला तार बहुत धन आसला। आउ से कृष्ण नाम जपुथुबा छेली रा जो क्षीर तार प्रभाव मध्य सेमती हेतिबो ना। धीरे धीरे राजांक घरो क्षीर छेली क्षीर खोजिकिरी मंत्री थरे आसथिले कोठु गोटे राजमातांकर देह खराब अछि तांकु छेली रा क्षीर दरकार। मंत्री आसिकी देखिले कि ए राज्य रे कोठि सुनिथिले मध्य कि ए जो छेली रा क्षीर आमको कृषक घरे भल क्षीर मिलूँ जहाँ खाइले देह भल हो जाऊँ से नहीं कि गले आश्चर्य कथा देखिले कि से छेली कृष्ण कृष्ण कह कृषक ठू सब कथा शुणिले से पड़ेले। एणे कौन है राजमाता जो देह खराब है
ତାଙ୍କୁ ତ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବୈଦ କହିଲେ କି ସବୁବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହାଯିବ, ରାଜମାତା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଏ କଥା ରାଜା କେମିତି କରିବେ? ଏତେ କାମ, ପୁଣି ରାଜମାତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ବସିକିରି ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବେ? ଏଇ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଲେ କି ଗୋଟେ କୃଷକର ଘରେ ଛେଳିଟିଏ ଅଛି, ସେ ଅନବରତ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷକକୁ ଡକାଗଲା, କୃଷକକୁ ମଗାଗଲା ଛେଳି। କୃଷକ କହିଲା, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସେ ଛେଳି ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ମୁଁ ପୁଣି ଭୋକିଲା ହେଇଯିବି। ତାକୁ ରାଜା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ଦିଆଯିବ, ତୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବୁ। ସେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଲା ଛେଳିକୁ। ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଉଆସରେ, ରାଜମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲା। ରାଜମାତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଛେଳିର, କୃଷ୍ଣ ଗାୟନ କରୁଥିବା ଛେଳିର କ୍ଷୀର ପିଇ ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ରାଜଉଆସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଉଥିବା ଜଣେ ଛେଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।